बढ़े हुए अपराध के खिलाफ राजद ने हल्ला बोला है। राजभवन मार्च का आयोजन किया गया है। तस्वीरें पटना के इनकम टैक्स की है, साफ तौर से रीतलाल जी भी यहाँ पर मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और सवाल करते हैं। सर, आज आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग अपराध नियंत्रण के विषय में स्मार्ट प्रीपेड जो बिजली बिल लगा लिया जा रहा है उसके विषय में, लैंड सर्वे जो रहा उसके विषय में, इसी तरह से अनेकों प्रकार का जल का समस्या है, सारे विषय पर हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलना चाह रहे हैं और मिल करके हम लोग ज्ञापन देंगे। सर, जिस तरह से लगातार अगर अपराध की बात की जाए तो तेजस्वी यादव भी ट्वीट करते आ रहे हैं, और जिस तरह से आप स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस बार के चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से ज्यादा लोग त्रस्त है, जितना गरीब जनता है ज्यादा लोग इसी से त्रस्त है। हालांकि बिहार में अपराध भी बढ़ा है लगातार तेजस्वी यादव। बिल्कुल बिल्कुल, फुलवारी की अगर बात करें तो वहाँ भी अपराधी बेलगाम हो गए हैं और पूरे पटना सहित पूरे बिहार का इससे ज्यादा लोग त्रस्त है। तो जाहिर सी बात है कि ये थे दानापुर विधायक रीतलाल जी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि तरह से बढ़े हुए अपराध के खिलाफ आज राजद एकजुट हुआ है, और इसी कड़ी में राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ रीतलाल भी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पहुंचे हैं, और साफ तौर से राजद के इस राजभवन मार्च में शामिल होने के बाद उन्होंने साफ तौर से बिहार में बढ़े हुए अपराध और खास करके स्मार्ट मीटर मामले को लेकर सरकार को घेरा है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज 24, पटना।